हियर इज द प्रॉब्लम दैट आई रियलाइज्ड, मुझे अकेलेपन की आदत सी हो गई है, इसलिए मैं सबसे कट के रहता हूं, इसलिए मैं शायद खुश नहीं, विच इज नॉट गुड एट ऑल. On 13th of September, I was sitting around and I saw this water. They say be like water. It helps you to be in the flow. नो, फिर से चूक गया. आंख खुली तो पाया कि इस जगह को मैं अलविदा कह रहा हूं, और अब रियलाइज हुआ कि मैं तो सो रहा था. फिर से वही कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए. और एक रीजन मिल गई मुझे जिसके ऊपर अब मैं दुखी हो जाऊंगा फिर से. पता नहीं, फितरत बड़ी बुरी चीज है. अब इन यादों को समेट कर घर तो जा रहा हूं, पर फिर इसी अफसोस में डूबा रहूंगा कि मैंने तो जिंदगी जी ही नहीं. पता नहीं कहां गुम हो गया था मैं. ये यादें बस यादें ही रह जाएंगी, क्योंकि मैं तो इनमें था ही नहीं. मैंने खुद को रोक कर रखा था. वो झिझक कहते हैं ना, मन चंचल होता है. हाँ, सच में मैं तो कहता हूं कि चंचल ही नहीं, अमीना होता है मन. पल में बदलता है. ज्यादातर खुद को अकेला महसूस कराने में लगा रहता है. पता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हम खुद. इसलिए हम खुद को रोक कर रखते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है. हमें पता है, हम सबको पता है कि हम हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं, पर हमें लड़ना है. हमें खुद से ही लड़ना है. आई नो, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस एंड इट्स रियली इजी टू से कि ज़्यादा मत सोचो, स्टे पॉजिटिव, टेंशन मत लो, पर जब बात खुद पर आती है ना, तो हम वही करते हैं जो हम दूसरों को मना करते हैं करने के लिए. आई हैव बीन रियलाइजिंग ऑल दीज things that I've been doing. मैं अपने जर्नी में ये सारी बातें करता हूँ, पर मैं खुद ये गलतियाँ करता हूँ, और इसी पे काबू पाना है मुझे. खैर, everything is temporary. उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है. पता नहीं मैं ये क्यों भूल जाता हूँ. आई होप इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे से नोट करने के बाद
अगली बार से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। नई सुबह नई शुरुआत लेके आएगी। काफ़ी अच्छा लग रहा है पर घर आते। ओह, मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं। Here it is. When you embrace negativity every now and then, there is going to be more of the bad things to you. Well, I've got a little fracture. Not really a fracture, but I fell down while I was on the shoot. Today I'm going to visit doctor. Let's see. Now for sure I have learned that you need to be positive. Swelling.